बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। अलग अलग इलाके की पूजा कमेटी इस उत्सव की भव्य तैयारी में लगी हुई है। इस साल संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा कमेटी भी लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होगी। लगभग 84 साल पुरानी इस कमेटी का पूजा पंडाल हमेशा से एक नई थीम के साथ लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इस बार न केवल पंडाल को भव्य तरीके से सजाया जाएगा बल्कि पंडाल के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा सोने से बनाई जाएगी। इसमें 50 किलो सोने का प्रयोग किया जाएगा। प्रतिमा का फ्रंट फेस सोने का होगा। प्रतिमा को पंडाल में स्थापित करने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। पूरे पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रतिमा के पास दो लेजर बाउंड्री बनाई जाएगी, इसको कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। गलती से भी अगर कोई येलो बाउंड्री क्रॉस करेगा तो एक अलर्ट अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ऐसा साउंड सिस्टम बनाया गया है कि ये अलार्म पंडाल के बाहर भी सुनाई दे। इस पूजा पंडाल में 400 वॉलंटियर तैनात रहेंगे। वहां के कार्यकर्ता ने जानकारी दी कि पूजा का पंडाल जयपुर के एक मशहूर किले शीश महल की थीम पर बनाया जा रहा है, जो शीश महल की याद दिलाएगा। इस भव्य पंडाल का बाहरी लुक भी इस्कॉन के नए मंदिर के मॉडल के रूप में बनाया जा रहा है। पंडाल की सजावट का काम कलाकार दीपक घोष को सौंपा गया है। पंडाल का काम तो 2 महीने से पहले शुरू हुआ और हमारा कांच का काम 15 दिन पहले किया। सोने की प्रतिमा बनाने का काम जाने माने कलाकार मिंटू पॉल कर रहे हैं। योजना के मुताबिक पंडाल की सजावट का काम होने से ये पूजा पंडाल शहर के बड़े पूजा पंडालों की श्रेणी में सबसे महंगा व भव्य पंडाल माना जाएगा। सोने की प्रतिमा का मूल्य भी करोड़ों में लगाया जा रहा है। इस पर कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रदीप घोष ने कहा कि ये पूजा 84 साल पुरानी है जिस पर हम लोग नए काम कर रहे हैं। पुजो तो 84 बचर इतिहास। একদল মেদিনীপুর থেকে এসে করছে, একদল দিল্লি থেকে এসে করছে। वहीं के स्थानीय लोगों का कहना है कि इसका खर्च ज्वेलरी निर्माता कंपनी ही करेगी। इस बार ही आए ये बारे में आवाज से अंतर के जी सोना है। हां, वो क्या की টোটালটাই ডোনেশনের উপরে এখানে যায় যে সোনার দোকান যারা আছে, যেরকম জুয়েলার এখানে অনেকগুলো আছে, সরকার তারপরে আর যারা আছে তারাই ওনারা মানে ডোনেশন করেন। ডোনেশনের উপরে এই প্রতিমাটা যেটা इस समिति का अपना बजट 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।